والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم واجب الاحترام اللہ رب رحمان دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی سامعین محترم
दीने इस्लाम दे अंदर जो इबादत तकसीम कीतियां गईयां वो बुनियादी तौर ते दो किस्म दियां इबादत ने। एक इबादत फर्जी है और दूसरी इबादत नफली। बुनियादी तौर ते दो किस्म दी इबादत ने, एक फर्जी ते दूसरी नफली इबादत। अज मुआशरे अंदर अगर तज़किरा किया जाए फजाइल दे हवाले नाल, फला अमल करो फला अमल करो, कोई मसला मसाइल या फजाइल बयान हो ना, इतों तक ज़हन है कि लोग पूछ लेंदे ने आम भाई आ जिहड़ा मसला तुसी दस्या है ये फर्जी है या नफली है। अगर दस्या जाए ना जी ये तो नफली इबादत है तो फिर अगों माशरे के लोगों का जवाब ये होता है अगर नफली इबादत है तो फिर खैर है। की मकसद यानी नफली की अहमियत ही नहीं रह गई। अगर नफली इबादत है तो अगे खैर है, कोई फर्जी तो पढ़नी पढ़नी है। अज वरक गर्दानी करदिया करदिया ये बात सामने आई ओ नफली इबादत नू मामूली ना जानो। जिंदगी अंदर अगर तुसी फराइज दी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हो ना, फर्ज अदा करदिया करदिया फर्ज पढ़दिया पढ़दिया जिंदगी मुक गई है, मौत आ गई है, क्यामत वाले दिन जदों हिसाब होना ना, अगर कोई कमी कुताही रह गई तो रब फरिश्तियां नू कहेगा देखो ये नामा अमाल च कोई नफली इबादत है तो देखा जाएगा। फरिश्ते कहेंगे जी रब जी नफली इबादत एक करदा रहा है वे नामा अमाल च दर्ज है। तो अल्लाह फरमाते ने जड़ी फराइज चो कमी कुताही रह गई वो नफला नाल पूरियां करके जन्नत का हकदार बना। नफल दी इतनी अहमियत और इतनी शान और इतना मकाम है नवाफल दा। चलो खैर ये लफज कहना सौख है, अगर असी इस बात ते गौर करिए सोचिए कि जड़े नफल और नवाफल या सुन्नत दी अदायगी नहीं करते उन्होंने कलियाँ बैठ के सोचना चाहिए असी कितने नुकसान अंदर जा रहे हैं। नफल नहीं अदा करते सुन्नत नहीं अदा करते कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, कितने बड़े अजर व सवाब तो असी महरूम हो रहे हैं। अल्लाह नवाफल का भी इंतजाम व एहतमाम करन दी तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह अल्लाह दे कुरान हकीम ने बयान फरमाया, आइए जरा गौर करना नवाफल। रब फरमांदे ने हे प्यारे नबी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बयान फरमाओ, फरमाया व मन ततवा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। कुरान दी सवानो और कुरान दा बयान, कुरान की फरमा रहे हैं नवाफल दे बारे। फरमाया वमन ततवा खैरन जड़ा बंदा नफली इबादत करदा नवाफल दा इंतजाम ए तमाम करदा
नफली इबादत करने वाला भलाई दे वे नवाफल दा एहतमाम करने वाला जनाब भलाई दे वे नेकी हासिल कर दे वा मन तदवा खैरन जो नवाफल दा इंतजाम ओ एहतमाम करे वो बेहतर कर दे अच्छा कर दाए और फरमाया फा इन अल्लाह शाकिरुन अलीम बेशक जड़ा बंदा शुक्र करने वाला रब उन्हां दे दिलां नूं जानदा है। हजरात गल करन दा मकसद ए वे वा मन तदवा खैरन जड़ा बंदा नवाफल अदा करे नफल पढ़े सुन्नत अदा करे फर्जा तो हट के नवाफल दा एहतमाम कर दे ओ भलाई ते ओ खैर दा कम कर दे अपने वास्ते बेहतरी वाला कम कर दाए। हजरात आइए जरा गौर करना फराइज दे बारे तुसी सुने आए नवाफल दे बारे भी तुसा कई दफा सुन चुके हो लेकिन मैं याद दुहानी वास्ते और ये मौजू क्यों बयान कर रहा वा करीब ही थोड़े वक्त अंदर माहे रमजान गुजरे है माहे मुकद्दस दा महीना गुजरे आए ना कई लोग जनाब रोजे रखन वाले कई नवा जनाब कुरान दी तलावत करने वाले सदका खैरात करने वाले कयामुल लैल दा इंतजाम एहतमाम करने वाले सलातु सुहादा एहतमाम करने वाले यानी चाश्त दे वक्त इशराक पढ़ने वाले इंज दे नवाफल दा एहतमाम कई लोग करदे सन लंग हजरात हुन महीना माहे मुकद्दस दा गुजरे है जिमें महीना खत्म हो गया जिमें महीना गुजर गया माहे मुकद्दस रमजान दा महीना उंजी ओ नफलां दा इंतजाम करन वाले भी गैब हो गए उवें ओ जनाब कुरान पढ़न वाले भी गैब हो गए जिमें जनाब रमजान दे अंदर अल्लाह दे घरां नूं आबाद कीता गया लोग आए सन बड़े जनाब जोग दर जोग बड़े जज्बे नाल ते बड़े रमजान मुबारक दे महीने अंदर फर्जा तो हट के नेकी दा कम करदे रह नेक अमाल दा एहतमाम करदे रह ओए महीना रमजान दा गुजरिया उंजे जनाब अल्लाह दे घर भी बेआबाद हो गए अल्लाह दे घरां दे अंदर भी ओ रौनका नहीं रह गईयां ओ रौनका खत्म हो गईयां ने। हजरात खुदारा मैं गल करना चाहना सुनियो फराइज दा जनाब फराइज ते अदा करने करने ने अगर रोजे ने माहे मुकद्दस आया रोजे हर मुसलमान मोमन बंदे ते फर्ज है और जनाब नमाज भी पांच वक्त दी हर मुसलमान ते मोमन बंदे ते फर्ज है और सुनियो नाल नाल नवाफल दा इंतजाम एहतमाम करना ए अल्लाह ने मोमना ते अपना करम की दाए ए मोमन बंदियां ते अल्लाह ने अपनी रहमत दा ते बरकात दा नजूल कर दिता है। जेड़ा बंदा नवाफल दा इंतजाम करेगा ओ रब दियां रहमतां दा हकदार बनदा जाएगा। हजरात आओ ना तवज्जो फरमाना नफल ओ नवाफल अदा करना सुन्नत अदा करनी है तवज्जो नाल सुनया जे मेरे पाक नबी अली सलातो वसलाम दा फरमाने गिरामी मेरी तेरी माँ आयशा माँ उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान कर दियां ने कि नबी कायनात जनाबे मुहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आ सुन्नत दे बारे सुनिया जे सुन्नत ओ नवाफल दी शान ते अजम सुनना असी अहमियत नहीं देंदे सुन्नत नू असी अहमियत नहीं देंदे नवाफल नू औखे सौखे आ गया अल्लाह दे घर अंदर है ते फर्ज अदा कीते ने औखियां सौखियां फराइज अदा कर लै ते फिर हुन सुन्नत दा कोई जनाब फिकर ही कोई नहीं सुनता पढ़निया ने कि नहीं पढ़निया ए ते जनाब
कदे सोचा ही नहीं हो, बड़े मुहब्बत नाल गल करना चाहना। ओ ते खैर ओ ते सुन्नत दे मुताबक कम करते ने, जड़े घर फर्ज अदा अल्लाह दे घर अंदर फर्ज नमाज पढ़ के अपने घर अंदर जाके सुनत पढ़ते ने, नवाफल पढ़ते ने, जनाब बेहतर करते ने, ठीक करते ने, उन्होंने बारे हुसने जाने ते अच्छा करते ने, उन्होंने बारे मैं गल करना जेड़े सुन्नत पढ़ते नहीं, ना अल्लाह दे घर अंदर पढ़ते ने, ना अपने घर अंदर जाके पढ़ते ने। खुदारा दर्द दिल नाल मैं बात करना चाहना वा, और सुन्नत की अहमियत, सुन्नत की अहमियत नू जानिए, सुन्नत की कदर कीजिए। मेरे पैगंबर सलातो वसलाम दा फरमाने गिरामी है, आका फरमाते ने मन सल्लाफी यौमियू वलैलातिन इस्नतै अशरत रकातन बुनिया लौ बैतुन फिल जन्ना। अम्मा जी उम्मे हबीबा रवायत करदियां ने कि नबी पाक अली सलाम फरमाते ने, इमाम अंबिया ने फरमाया, बदरुद्दुजा ने फरमाया, मदीने वाली सरकार ओ आमना दे लाल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते ने जड़ा बंदा एक दिन ते एक रात दे अंदर 12 रगतां पड़ेगा, रब ओदा घर जन्नत दे अंदर बना देंगे। सुन्नत की गल हो रही है, फर्जा की नहीं। सुन्नत अदा करेगा, बाबा करे, नौजवान करे, माए बहना करन, कोई भी 12 रक्तां अदा करन एक दिन और रात के अंदर, नबी पाक ने गारंटी दी रब ओदा घर जन्नत के दरम्यान अंदर बना छड़ेंगे। घर ही नहीं, महल की गल करो, घर और महल के अंदर फर्क हो सकता है। एक घर है, कच्चा भी घर है, पक्का भी घर है, तो कोठी भी घर ही है। महल बन जाए, करोड़ां लग जान, वो भी घर है, लेकिन महल की गल नबी पाक ने फरमाया 12 सुनतां अदा करने वाला क्यामत का दिन होएगा, रब उन्हें जन्नत के दरम्यान अंदर वह महल बना देंगे। नबी पाक अली सलाम फरमाते ने इस नया इस नई आशरा तरगातन बुनिया लाओ बैतुन फिल जन्नती। 12 रक्तां पढ़ने वाला खुश नसीब क़यामत नू जन्नत दा मेहमान बना दिता जाएगा। 12 सुनतां अदा करने वाली औरत क़यामत वाले दिन जन्नत दे अंदर महल अंदर दाखिल कर दी जाएगी। वो 12 रक्तां दा भी तरीका बतलाया, 12 रक्तां पढ़नियां किस तरह, क्या या एकदम आए हैं अल्लाह दे घर अंदर कठियां ही 12 रक्तां पढ़ गया, ना 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 सोनिया। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम फरमाते ने, फरमाया कबला जोहरी अरबान, आका फरमाते ने अरबान कबला जोहर व बरकात ने बाद। नबी पाक अली सलाम फरमाते ने जोहर तो पहले 4 सुनता पढ़ने वाला और जनाब जोहर दे बाद 2 सुनता। जरा तवज्जो नाल सुने जे, सुन्नत की अहमियत दसना चाहना, सुन्नत नु अहमियत दो, सुन्नत की कदर करो, नवाफल का इंतजाम तमाम करो। बड़ी अजमत वाली गल है, और सुन्नत अदा करोगे, नवाफल का इंतजाम तमाम करोगे, यकीन ने बड़ी अजमत वाला अमल, बड़ी शान वाला ये अमल है। आका फरमाते ने सुन्नत जोहर की नमाज तो पहले 4 सुनता और जोहर की नमाज तो बाद 2 सुनता। अगली गल सुनना, असर का तस्करा नहीं हो, लेकिन असर दिया 4 सुनतों के बारे भी मैं अगे दसागा। जड़ा बंदा 4 सुनत पढ़ता, 4 रकत पढ़ता असर तो पहले, ओनू की शान मिलेगा, ओनू की इनाम मिलेगा। लेकिन अम्मा जी हम उम्मे हबीबा ने जड़िया 12 रकत दसियां,
जो नबी पाक को सुन के बतलाया ना वो ना चा बारह रक्तों का तस्करा सुनया जे आका फरमाते ने चा छे सुनता जड़िया जोहर की नमाज टैम चार पहले ते दो बाद अंदर फिर मगरब की नमाज है आका फरमाते ने तीन फर्द पढ़न के बाद जड़ा बंदा दो सुनता पढ़ता फर नमाज है मगरब के बाद दो सुनता वो हो गई छे ते दो अठ रखदा अगली गल सुनना मेरे आका फरमाते ने जड़ा बंदा इशा की नमाज के बाद दो सुनता पढ़ता है अल्लाह अकबर दस रखता हो गई अगली गल फजर की नमाज तो पहले फजर की नमाज के बाद नहीं फजर की नमाज तो पहले दो सुनता ये बारह रखता हो गई मेरे पैगंबर अली सलाम फरमाते ने क्यामत का दिन होएगा रब इस बंदे अपन जन्नतां दे अंदर महल बना के दे छड़नगे अल्लाह अकबर अल्लाह ए बारह रखता ने जरा गौर नाल फिर सुन लो जोहर तो पहले चार सुनता जोहर दे फर्जा तो बाद दो सुनता और मगरब की नमाज तो बाद दो सुनता इशा की नमाज तो बाद दो रखता फजर की नमाज तो पहले दो रखता ए बारह रखता की फजीलत मां जी उम्मे हबीबा ने दसी है आका फरमाते ने जड़ा ये बारह रखता का इंतजाम करता रहेगा क्यामत वाले दिन ओदा घर रब जन्नत दे अंदर बना देंगे अल्लाह अमल की तौफीक दे दे आमीन कह दो अल्लाह फराइज पढ़न की भी तौफीक अनायत फरमा फर्ज असी ना पढ़ांगे ना बहुत वड्डे मुजरम ठहरांगे फराइज की अदायगी तो करनी करनी फर्ज से पढ़ने ही पढ़ने दे जड़ा जान बुझ के नमाज फर्ज नहीं पढ़ता वो बंदा मुशरक है वह बंदा काफर है तो जड़ा मुशरक और काफर होए उहदा टिकाना किथे वे जहन्नम दा टिकाना ये तो फर्जा की गल है ना कि फर्ज ना पढ़े तो इतना बड़ा जुर्म तो टिकाना जहन्नम है ते नबी पाक अली सलाम फरमांदे ने सोने फर्ज ते छड़ने नहीं नवाफल की गल करो सुन्नत की बात करो ना नवाफल का इंतजाम ने तमाम करो मेरा रब क्यामत नु जन्नत अंदर महल दे छड़ेगा आइए रब दा कुरान वमन ततवा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम ओए नफल दा इंतजाम एहतमाम करो रब दे कुरान ने दसे आए आइए अगली बात सुनना नबी कायनात अली सलातो वसलाम दा फरमाने गिरामी है हुन जनाब फजर दी सुनता दी बात कर लईए फजर दियां सुनता कलियां फजर दियां सुनता जड़ा बंदा अदा करदा फर्ज नमाज तो पहले फर्ज दो ने ते सुनता कितनियां ने बोलो फजर दी नमाज दियां रखता किनियां ने कुल कितनिया ने चार दो सुनता ने ते दो फर्ज ने नबी कायनात अली सलाम फरमाते ने जड़ा बंदा दो फर्जा तो पहले दो सुनता अदा करदा है मां जी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान कर दिया ने कि आका फरमाया सी रकात अल फजर खैरु मिन दुनिया व माफीहा अम्मा जी आयशा फरमादियां ने सुन लो लोगो जड़ा फजर नमाज तो फर्जा तो पहले दो रकतां पढ़ लै आका फरमाते ने खैरु मिन दुनिया व माफीहा जो कुछ दुनिया दे अंदर है जो कुछ जमीन आसमान ते वे दुनिया दे वे और इस दुनिया दे अंदर जो कुछ भी है सारे नालों बेहतर ये दो रकतां ने खैरु मिन दुनिया दुनिया तो बेहतर और दुनिया के अंदर जो चीज़ इन सारे नालों बेहतर है तो है दो रकतां बेहतर ने जड़िया फर्ज नमाज फजर की नमाज तो पहले अदा कीतियां जांदियां सोने नाल दुआ करें अगर
अल्लाह अमल इलम दिता ते अमल दी भी तौफीक नसीब कर दे। अल्लाह माँ जी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने कि नबी कायनात अली सलाम कोलो मैं सुनिया मन हाफ़ज़ आला अरबाइन रकातिन कबला ज़ुहरी व अरबाइन बादहा हर्रमहु अल्लाह अलन नार। सुन्नत की गल करा नवाफल और सुन्नत की बाद अम्मा जी उम्मे हबीबा फरमांदियां ने नबी कायनात अली सलाम ने फरमाया जड़ा बंदा जोहर दी नमाज तो पहले चार सुनता अदा करदा है और जोहर दे बाद चार सुनता गल सुनिया जे जोहर तो पहले चार रखदा ते जोहर दे बाद चार रखदा ए हुन जड़ियां जोहर दे बाद आलियां चार रखदा ने वो चाहे नबी पाक ने वह बयान कीतियां ने कि जड़ियाँ असर तो पहले चार सुनता चाहे कोई इस तो इलावा को चार सुनता चार रखता पढ़निया। नबी पाक अली सलाम ने फरमाया जड़ा बंदा इस जोर तो पहले और जोर तो बाद चार चार रखता पढ़ता ना नबी कायनात अली सलाम फरमाते ने अल्लाह ताला उन्हें दोज़ख की आग तो बचा लेंगे। अल्लाहु अकबर नबी कायनात अली सलातो व सलाम दा फरमाने गिरामी है हजरात आइए ना अगली बात सुनना असर तो पहले जड़ियाँ चार रकदा पढ़िया जांदियां ने ओदा मकाम सुनना ओदी शान सुन लो उन्हां बारह रकदा दे अंदर ते इन्हां चारां दा तस्करा कोई नहीं इत्थे नबी पाक अली सलाम ने अलहदा एदी शान दस दिती है असर तो पहले चार रकदा पढ़ोगे तुहाडे वास्ते बड़ा ही बेहतर रोएगा बड़ी ही अच्छी बात होएगी। नबी कायनात अली सलाम फरमाते ने सुनना नबी दा फरमाने गिरामी आका फरमाते ने रागी मल्लाहु अमरन सल्ला कबला असरी अरबान। नबी कायनात अली सलाम फरमाते ने जड़ा बंदा असर तो पहले चार रकदा पढ़े अल मैं दुआ करना मैं मुहम्मद अली सलाम दुआ करना जड़ा बंदा असर तो असर दिया चार रकदा तो पहले फर्जा तो पहले चार रकदा पढ़े मैं नबी पाक मुहम्मद अली सलाम दुआ करना अल्लाह सोनिया ओदे ते अपना करम कर दे ओदे ते अपना रहम कर दे ओदे ते अपना फजल कर दे ओदे ते अपना करम कर दे। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ने दुआ दीती है सोनिया इंतजाम करया कर एहतमाम करया कर नफल दे बारे गौर कर सुनता दे बारे तवज्जो देना गौर कर। अल्लाह अकबर बड़ी अजमत वाले ए अमाल ने बड़ी शान वाले ए अमाल ने आइए नजरा गौर करना इतना शान सुनता दा है इतना मकाम सुनता दा है जेड़ा बंदा ए सुन्नत नवाफल नहीं अदा करदा उन्हों सोचना चाहिए कि मैं कितने बड़े अजरो सवाब तो मारूम हो रहा वहां। अल्लाह अकबर अल्लाह आओ नजरा ध्यान करना अगली गल आगे इशराक दे मेरे पाक नबी जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलातुज़्ज़ुहा जड़ी जनाब सूरज तलू होने दे बाद थोड़ी देर बाद पढ़ी जाती सलातुज़्ज़ुहा उन्हों आखिया जाता इशराक चाश दे वेले नमाज पढ़ी जाती है गौर करना। नबी कायनात अली सलातो वसलाम ने फरमाया इसकी बहुत बड़ी फजीलत है हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने नबी कायनात अली सलाम को सुने युस्बिहु अला कुल्लि सुलामा मिन अहदिकुम सदकतुन। नबी पाक अली सलाम फरमाते ने फकुल्लु तस्बीहातिन सदकतिन वकुल्लु तहमीदुन तहमीदातिन सदकतिन वकुल्लु तहलीलातिन सदकतुन। मेरे आका अली सलाम फरमाते ने सुन लो हर शख्स दे हर जोड़ ते
सदका लाजम है। हर आदमी दे जिस्म ते जनाब सदका लाजमी ते जरूरी है। जदों बंदा सुबह उठदा है ना, बंदे दे जिस्म अंदर 360 जोड़ ने, हर जोड़ ते सदका देना लाजमी ते जरूरी है। मेरे पैगंबर अली सलाम ने फरमाया, ते अगली गल सुनना, आका फरमांदे ने सुबहान अल्लाह कहना ए अलग सदका, अलहम्दुलिल्लाह कहना ए भी सदका, ला इलाहा इल्लल्लाह ए भी पढ़ना सदका है, अल्लाहु अकबर ए भी जनाब पढ़ना सदका है। अगली गल नेकी दा हुक्म करना, नेकी वल तलकीन दलाना, नेकी दा जनाब दरस देना कि नेकी करो, ये भी सदका है। और जनाब जड़ा बुराई तो रोकदा ये भी सदका है। लेकिन अगली गल सुनो, ये भी अल्लाह ये ते भी अमल करने वाला बना दे, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ये पढ़ना सदका है। और सुबह उठ दे जिसम दे 360 जोड़ा ते हर एक जोड़ ते सदका देना जरूरी है। एक रुपए भी असी देइए सदका, एक जोड़ दी तरफ एक रुपया सदका देइए ते किन्ना पैसे बनेंगे भाई, 360 जोड़े ते एक रुपया देइए हर जोड़ दी तरफ कितने बनेंगे पैसे, 360। ते जेदी आमदनी एक 100 होए या 200 होए या आमदन होए ही ना, वो कितों सदका देगा। ऐसे भी कई है ने आमदन कोई नहीं, बेचारे गुजारा कर देने पे, अल्लाह ताला उन्हां दी मदद फरमाए। 360 रुपए असी रोज़ाना देइए ते दो चार महीनों बाद अपने चुप करके घर बह जाना है, इस नेकी तो महरूम हो जाना है। तो नबी पाक अली सलात व सलाम ने इहदा एक रस्ता दसिया, रस्ता बतलाया, आसानी पैदा कर दी है। ओए तुसी 360 रुपए ना सदका करो, और अल्लाह दे नबी जी असी की करिए, सदका जो देना ही देना है, हर जोड़ दी तरफों एक रुपया भी देिए तो 360 रुपए बनते ने, तो किस तरह करिए। नबी कायनात अली सलाम फरमाते ने जड़ा बंदा सुबह उठ के अशराक दियां दो रकतां पढ़ लवेगा, अल्लाह 360 जोड़ दी तरफों सदका कबूल कर लेंगे। सिर्फ दो रकतां। अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, आज मैं सैयदा उम्मे हबीबा और माँ जी आयशा रजी अल्लाह अन्हुमा इन्हां दे बयान करदा, इन्हां दी रवायत करदा हदीसा सुना रहे हैं। सारे नोट करो, मावा बहना भी नोट करन, ओए अमल करन वाले बन जाओ सारे। हाय अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमांदियां ने, मैं 8 रकतां पढ़िया करती सी, अशराक दियां कितनियां रकतां, 8 रकतां। और अगली गल सुनो माओ बहनो, माँ जी फरमांदियां ने अगर कबरां दे विचों मेरा बाप ते मेरी माँ नूं उठा के लियांदा जाए ते मैं फिर भी इन्हां 8 रकतां नूं कदे ना छड्डां। माँ जी ऐसा ने बयान करके ना फरमाया कि मैं 8 रकतां पढ़नी, नबी कायनात अली सलात व सलाम को कदे वेख्या होएगा अमल, ते माँ जी ने बयान कर दिता, आंदियां ने मैं 8 रकतां पढ़नी आ। इतनी पाबंदी नवाफल दे, इतनी पाबंदी नवाफल दे वे, फरमादियां ने अगर मेरे मापे कबरां च उठ के आ जान ते मैं तां भी ये 8 रकतां ना छड्डा। इत्थे गल्लां करवा लो, अगीबतां करवा लो जिन्नियां होंदियां ने। अल्लाह अल्लाह, मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसा सुन लिया, कुरान पढ़े नु देर हो गई, जरा कुरान दिया सुनना। नबी कायनात अलैहि सलाम फरमाते ने फरमाया वा इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौनन व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما। नब
نبی پاک علیہ السلام تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا جڑے میں رحمان دے بندے نے او جناب میری زمین تے بڑے آہستہ آہستہ چلتے ہیں، رحمان دے بندیاں دی صفت ایوے، میں اللہ دے بندیاں دی صفت تے نشانی ایوے، میں رب دے پیارے بندیاں دیاں صفتاں نوٹ کر لو، اللہ فرماندے نے او اللہ زینا یبیتو نال ربہم، فرمایا جڑے میرے بندے نے انہاں دیاں راتاں گزرن سجدے کردیاں گزرن، جڑے میرے پیارے بندے نے انہاں دے دن گزرن تے قیام کردیاں گزرن، میرے اللہ نے فرمایا واللہ زینا یبیتو نال ربہم سجدا وقیاما، دے پیارے بندیاں دی صفت تے نشانی اے وے، فرائض تے ادا کردے ہی کردے نے او نا جناب، نفل و نوافل دے اندر ہی راتاں گزر جایا کردیاں نے، نفل و نوافل پڑھدے ہی او نا دے دن گزر جایا کردے نے، اور قرآن دا ایک اور مقام سن رب فرماندے نے، فرمایا تا تجافا جنوبہم عن المساجع یدعون ربہم خوفا وطمعا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا جڑے میں رب دے پیارے بندے نے اونا دے جناب کمراں بستریاں تو الگ رہیا کردیاں نے، اونا دیاں کروٹاں جناب او بستراں تے ہر ٹائم بستر تے نہیں لیٹے رہندے، اونا دیاں کروٹاں بستر تو الگ رہندیاں نے، اونا نو تم اونا نو خوف ہے، کوئی وقت بھی ایسا ضائع نہ جائے، ہر وقت ایسا ہوئے کہ اسیں اللہ دے سامنے قیام اندر کھڑے ہوئیے، اسیں اللہ دے سامنے رکوع اندر کھڑے ہوئیے، اے رب دے پیاریاں دیاں صفتاں نے، اے اللہ دے محبوب بندیاں دیاں صفتاں نے، میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وایقظ امراته فصلت فان ابت نظر فی وجهها الماء، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ اس بندے تے رحم کرے جڑا بندہ رات نو اٹھ کے نفل نوافل دا انتظام کردا ہے، اللہ او دے تے رحم کرے جڑا بندہ رات نو نفل پڑھدا ہے، اور اللہ اس بی بی تے بھی رحم فرما دے، اللہ اس عورت تے بھی رحم کر دے وے جڑی بی بی جڑی عورت رات نو اٹھ کے نفل و نوافل دا انتظام ہوئے تمام کر دیے، میرے پاک پیغمبر سلام تو و سلام دعاواں پہ دے رہے نے، این ہاتھ چک چک کے اونا دے بارے دعاواں کر رہے نے، اللہ جڑے نوافل پڑھ دے نے او بندہ ہوئے یا عورت ہوئے اللہ او دے تے رحم کر دے، او سونے یا نبی پاک علیہ السلام دعاواں پہ دے رہے نے، اگر نوافل دا انتظام کریں گا نوافل دا اہتمام کریں گا، میرے پیغمبر دی دعا تیرے بارے اے ہوئی ہے، اللہ تیرے تے رحم کر دے، میں تے پھر کہا کرنا ایتھے کوئی مولوی دعا کرے تے تو آنا یار مولوی صاحب نے دعا کر دیتی ہے، ان کوئی ٹینشن نہیں، قاری صاحب نے دعا دے دیتی ہے، فلاں شیخ صاحب نے دعا دے دیتی ہے، تو دس دا پھرنا ہے، لوگاں دے سامنے تذکرہ کردا پھرنا ہے، اگے فلاں مفتی صاحب دی دعا ہے، فلاں شاہ جی دی مینوں دعا ہے، اوے عام بندے دے تذکرہ کرنے کہ فلاں بندے نے مینوں دعا دیتی ہے، یارو ایدے بارے کیوں نہیں سوچدا، ایدے بارے کیوں نہیں غور کردا، او یار او دی عظمت دے کیا کہنے، او دے مقدر دے کیا کہنے کہ جنہاں نوں دعاواں دے وے تے مدینے والی سرکار محمد دے وے،
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक सलाम ने दुआवां दित्तियां उन्हां लोगां नूं जिहड़े रात नूं उठ के ते नफल पढ़दे ने, जिहड़े रात नूं उठ के कयाम करदे ने, जिहड़े रात नूं उठ के रब अगे सजदे करदे ने। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने राहिम अल्लाह। अगर अल्लाह दा करम चाहते हो ते नवाफल दा इंतजाम करो, अगर घर दे अंदर रहम दिली चाहते हो, रहमत चाहते हो कि अल्लाह बरकत पा दे, अल्लाह रहम कर दे, फिर नफल दा इंतजाम करया कर। ओ पावे दो रकतां उठ के पढ़ लिया कर, अल्लाह रहम कर छड़ेगा। ओ दो रकतां ज्यादा नहीं पढ़िया जांदियां, दो तो ज्यादा चार नहीं पढ़िया जांदियां, पांच छे नहीं पढ़िया जांदियां, आठ नहीं पढ़ सकदा। उठ के दो रकतां ही पढ़ लिया कर, मेरे मुहम्मद की दुआ तेरे बारे रब कबूल फरमा लेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ तो मेरे नबी की रिजेक्ट हो ही नहीं सकती। और तू पढ़ने वाला बन तो सही ना, दो रकतां पढ़, अल्लाह तेरे ते भी रहम कर छड़ेगा, बरकात दा नजूल कर छड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे तुहाडे नबी जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, एक आदमी आया मेरे पाक नबी कोल, आन के मेरे नबी दे सामने खड़ा हो जांदा है। नबी दी हदीस पहले एक ए भी सुनना, आका फरमांदे ने जड़ा बंदा सुबह तहज्जुद पढ़दा है, रात नू पिछली रात तहज्जुद पढ़दा है और फर्जी नमाज पढ़दा है, नबी पाक फरमांदे ने वह बंदा चाको चू बंद होंदा है, जदों सुबह होंदी है तो बड़ा चुस्त होंदा है, सुस्त होंदा सुस्त नहीं होंदा। नबी पाक अली सलातो वसलाम ने हिकमत दे तौर पर भी बयान कर दिता है, ओए तहज्जुद पढ़ने वाला रब दियां जन्नतां दा मेहमान बनेगा और रब दियां रहमतां दा भी जनाब हकदार बनेगा, जरूर बनेगा, लेकिन जिस्मानी तौर पर फायदा की होएगा, वक्ती तौर पर। आका फरमाते ने जिहड़ा रात नूं नफर पढ़दा तहज्जुद पढ़दा सुबह चाको चबंद और चुस्त सुबह खड़ा होएगा और जनाब सुस्ती उहदे करीब नहीं आएगी। तो जिहड़ा लेट उठदा वो भावें वड्डा है छोटा है या औरत है कोई भी है, जिहड़ा लेट उठदा उहनूं वेख लो उहदा मूँह लटकिया हुंदा तो बड़ा सुस्त ही सुस्त हुंदा। बाद गल पुछ लैंदे ने अज खैर है तैनूं, ओ खैर है परेशान जे है, तेरा मूँह ज उतरिया होया है, वह वजह यह होंगी है कहते नमाज पढ़ी कोई नहीं, तहज्जुद तक पढ़ने की है नमाज नहीं पढ़ता, तो सुस्ती तो नौसत ही घर अंदर आनी, होर तो कुछ नहीं आना। अल्लाह अकबर। नबी अली सलातो सलाम का फरमान, एक और आका फरमाते एक नौजवान ने आन के ना तस्करा किया, फलां शख्स ऐसा है जी, नबी कायनात अली सलाम फरमाते ने हाँ वो शख्स कैसा है दसना जरा। ओ नौजवान आंदा अल्लाह दे नबी जी ओ फलाना नौजवान जेड़ा सुबह सुता रहिंदा है, सुबह सुता रहिंदा है, नमाज वास्ते नहीं खड़ा हुंदा। नबी पाक अली सलाम ने नुकसान बयान कीता है और जेड़ा नमाज नहीं पढ़दा नुकसान की है। नबी पाक फरमांदे ने ज़ाका रजुलुन बाल शैतान फी उज़ुनी औ काला फी उज़ुनी नबी पाक अली सलाम नू जदों दसया गया अल्लाह दे नबी जी फलाना नौजवान जेड़ा वो नमाज नहीं पढ़ता सुबह सुता रहिंदा है, नमाज दा फिकर कोई नहीं सुता ही रहिंदा है, खराटे मारदा रहिंदा है, नबी पाक ने फरमाया नुकसान एवे कि शैतान दौड़िया होया आउंदा ते ओदे कन्ना नू लैटरीन बना लैंदा है। और लैटरीन जेड़ा नमाज ना पढ़े ना सुबह उठ के लेट उठे नमाज ना पढ़े, मेरा यकीन है कि वो कन लैटरीन शैतान की लैटरीन बने होंगे ने, और कह सकने कि इनके कन शैतान की लैटरीन ने, क्योंकि नबी पाक की हदीस है। नबी पाक अली सलाम ने फरमाया ज़ाका रजुलुन बाल शैतान जेड़ा नौजवान है जेड़ी औरत है जेड़ा बाबा है सुबह उठ के नमाज ना पढ़े सुता रह जा जान बुझ के प्यार है नमाज ना पढ़े ओदे कन एक नहीं। नबी पाक ने पहले एक कन का तस्करा किया फिर नाल ही दूसरे कन का भी तस्करा, ओदे एक कन लैटरीन नहीं बनते बल्कि दोनों ही लैटरीन बना दित्तियां जांदियां ने। हाँ जी नमाज पढ़नी चाहिए कि कोई ना
पढ़नी तो चाहिए, पढ़ सोगे कोई ना? और पढ़ोगे इंशाल्लाह अल्लाह सारे पांच वक्त का नमाजी बना दे। मैं गल की सी, मैं क्या तुम पांच वक्त के पक्के नमाजी बन जाओ, जदों भी वजू करके अल्लाह के घर अंदर आओ, दुनिया नाल नाता तोड़ के रब नाल जोड़ लो। जेडे 10-15 मिनट अल्लाह के घर अंदर आना है ना हर नमाज से, दुनिया नाल राबता तोड़ के रहमान नाल जोड़, ओदे नाल प्यार नाल गल्लां कर, मेरा रब तेरे घर का माहौल खुशगवार बना देगा, दुख मुसीबत उंज दूर कर छेगा। एक दफ़ा ये अमल करके तो देखो। नबी कायनात अली सलातो वस्सलाम दे सहाबा ताबेईन मुहद्दिसीन फुकहा आइमाए दीन उन्हां दा ये अमल होया करदा, रात नूं उठ उठ के तहज्जुदां पढ़िया करदे सन। एवें नहीं लोग, एवें नहीं उलामा मिंबरां ते खड़ के उन्हां दे तस्करे करदे, उन्हां दे विच कुछ अमल पाया जांदा सी। इमाम अहमद बिन हंबल कहो रहमतुल्लाह अलैह, रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह, उन्हां कोल ना एक मेहमान आ गया ते उन्होंने पानी का बर्तन भर के रख दिता। इमाम साहब नूं की पता, उन्हां तां अपने तौर पर समझा ना कि रात नूं उठदे ने नफल नवाफल ते तहज्जुद पढ़दे ने, वो मेहमान आ गया कोई साढ़े अरगा चौको चो बंद जनाब चुस्त, असी चुस्त है ना, इस पासों चुस्त नहीं दूसरे पास हर लिहाज नाल चुस्त है। वो आ गया तो इमाम साहब ने आप पानी का बर्तन लिया के रख दिता है चार पाई दे को। जदों नफल का टाइम होया, अद्धी रात तो गुजरिया टाइम, इमाम साहब ने नमाज नींद ली, नफल नहीं थे, नफल अदा किए थे, फिर चक्कर लाया, चौधरी साहब सुते ने, बड़े साहब सुते ने, अल्लाह अल्लाह, ते फिर जनाब जाके रखता रह गई वो पढ़िया, फिर आए थे फिर सुते ने। इमाम साहब ने उठाया, इमाम साहब फरमाते ने यार ऐ पानी मैं रखिया जी के तू वजू करेगा, तू ते कोई नहीं पानी इस्तेमाल किया, क्या नफल का इंतजाम नहीं करता? हर अल्लाह का वली बंदा है जेड़ा भी रब का प्यारा ते वली उस रात नू जरूर उठाया करता है ते ताज्जल पढ़िया करता है। तू किवें दा बंदा है? ये खामोश हो गया, नीवी पा के कड़ा हो गया, कहन लगा इमाम साहब मेरे कोलो सुस्ती हो गई है। ते इमाम साहब फरमाते ने यार अफसोस है, अल्लाह ने इस नफलां दा बड़ा अजर रखे आई, जड़ा रात नूं उठ के कयाम ते रकू सजूद करदा, जड़ा बंदा रात नूं उठ के नफल पढ़दा है अल्लाह दुनिया अंदर भी उहदे ते रहम करदे ने ते कयामत नूं अपनियां जन्नतां दा मेहमान बना छड्दे ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। एक होर नबी दे सहाबी ने मदीना मुनवरा का माहौल बयान किया, सुभान अल्लाह, मदीना मुनवरा का माहौल, अल्लाह मदीने लै जाए, नवाफल पढ़ते नहीं मदीने जाने दी तैयारियां ने, हैं लंगोटा कसया हुणे ही चलने, और नफल दे पढ़ो नमाज दे पढ़ो। मदीने का माहौल बयान किया इमाम हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, नबी दा यार नबी दा सहाबी ये सुन लिया जे कितनी प्यारी गल करते ने। इमाम हजरत अबू मूसा अशअरी आंदे ने कि मैं रात नू अपने कबीले अशअरी, इमाम अबू हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अशअरी कबीला सी तां करके इन्हां दी निस्बत अशअरी वाले आंदे ने, मैं अपने कबीले अंदर रात नू उठिया करदा ते रब दे प्यारियां दा, रब दे वलियां दा और कुर्रा इकराम दे जनाब घरां दा अंदाजा लगाया करदा, किवें रात नूं उठ के चक्कर लगांदा ते जिहड़े रब दे प्यारे हुंदे उहनां दे घरां चों कुरान दियां आवाज़ां आया करदियां सन। मैं अपने कबीले अंदर टुरिया करदा, गली अंदर तुरिया करदा, अल्लाह अकबर, इतने तुरदा ते आवारा लड़का नौजवान, इतने गलियां अंदर टुरदा ते आवारा नौजवान, अल्लाह अकबर अगे किसी के दरवाजे ते खड़दा ते आवारा नौजवान। गल सुनिया जे इमाम हजरत अबू मूसा अशअरी आंदे ने, मैं पहचान करदा कि यह कारी साहब का घर है, मैं पहचान करदा कि यह हाजी साहब का घर है, मैं पहचान करदा रात नूं उठ के ऐ जनाब रब दे वली
अली दा कर क्यों ओ नफर पढ़दे सन ते नफलां दे विच उची उची रब दे कुरान दियां तलावतां करदे सन। नबी कायनात अली सलाम दा अमल बतलाइए आखिरी गल खुद नबी पाक अली सलाम आका अली सलातो वसलाम फरमांदे नबी अली सलाम खुद कई दफा रात दे वक्त अपने सहाबा दी तलावत सुनन वास्ते इंज मदीना मुनवरा दियां गलियां अंदर निकल जाया करदे ते घर घर दे विचों कुरान दी आवाज सुनाई देंदी सी। रात दा कोई भी वेला हुंदा ते आका वरमांदे मेरे सहाबा दे घर विचों कुरान दी आवाज आया करदी सी। अल्लाह अल्लाह नबी दे यार ने नबी दे सहाबा ने सोने इन्हां नवाफल दा इंतजाम करिए सुनतां दा इंतजाम एहतमाम करिए फर्ज ते पढ़ने पढ़ने ने नवाफल दा एहतमाम करे अगर मेरे पाक पैगंबर ने सलातो वसलाम दी ओ हदीस जड़ी इब्तदा अंदर सुनाई सी ना आखिरी गल ओ दोबारा रिपीट कर दें इन्हां नफलां दा फायदा पता की होना है नवाफल दा फायदा। पहले नबी पाक ने फरमाया अल्लाह उदे ते रहम करे जिहड़ा रात नूं उठ के नफल पढ़दा है। नबी पाक दी दुआ है किहदी दुआ है नबी पाक अली सलातो असलाम दी ते क्यामत दा दिन होएगा फर्ज पढ़दे रह हैं जी फर्ज पढ़ते रह नबी पाक अल्लाह दे नबी ने फरमाया जदों क्यामत दा दिन होएगा इहदा हिसाबो किताब होएगा ना कोई कमी कुताही रह गई होएगी नेकियां दे अंदर या दर्जा मिलन दे अंदर कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई है ना अल्लाह आप ऐलान करेंगे ओ फरिश्ते ओ एदा नामा माल चुको कोई नफल इन्हें पढ़े ने कोई कुरान की तलावत की कोई सदका खैरात किया वेखो खां है कोई नेकी नफलो नवाफल वाली फरिश्ते रजिस्टर खोलेंगे अल्लाह जी हाँ ये तजदा पढ़ता रहा है अल्लाह जी हाँ फजर तो बाद सूरज निकलन दे बाद इशराक पढ़ता रहा है वे इन्हें नामा अमाल नफल मौजूद ने अल्लाह फरमान के ये भी सारिया एदिया कमियां पूरियां कर दो ते इन्हें मैंने जन्नत का मेहमान बना दो मेरी जन्नत का दाखला इन नसीब कर दो ऐसे वजह तो कमी कोताही अगर रह गई तो नफलो नवाफल अदा करने अल्लाह पूरी कर छेगा अल्लाह घर बार कारोबार मालो जान च अल्लाह बरकत का नसूल कर देंगे और नफलो नवाफल पढ़ने वाले तो रब दियाँ रहमत रब दियाँ बरकत नाजल होंदिया ने दुआ है जो सुने जो सुनाया अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमा है।